मध्य प्रदेश के इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे 59A के धान तालाब घाट पर फिर हुआ हादसा। चार्टर्ड बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। सुबह ही 7:30 बजे हरदा से इंदौर आ रही चार्टर्ड बस अचानक सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। बस की स्पीड कम होने से कोई बड़ी घटना होने से टल गई। बस में 35 से 40 यात्री थे, जिनमें से 5 लोगों को मामूली से चोटें आई हैं। हादसे के बाद घटना पर भारी मात्रा में जाम लगा हुआ है। दोनों तरफ से आवागमन बाधित है। खाते गांव से सादिक खान की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।